माता की, भारत माता जी। सिद्ध श्री लोक देवता खेमा बाबा की पावन धरा बायतू में आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और यहां रैली स्थली के पास में ही उनका मंदिर भी है। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। थोरों के गढ़, बाड़मेर की आप सभी जनता जनार्दन को भी मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। था सगलर बीच आर मारो मन खूब राजी हो। पूरा राजस्थान कह रहा है जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है गहलोत जी कोनी मले वोट जी। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का डिब्बा गुल है, अब राजस्थान की बारी है। कांग्रेस साफ हो जाएगी ना, पोलिंग बूथ में साफ होगी कि नहीं होगी। अगर साफ करने का मजा तो तब आता है जब पोलिंग बूथ में साफ करें। हमारी माताएं बहनें दिवाली में जब घर की सफाई करती है ना, तो कमरे ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करती है, कोने कोने में जाकर के सफाई कर देती है। वैसी सफाई होनी चाहिए। हमें माताओं बहनों से सीखना है कि सफाई कैसे होती है। सीखोगे? शर्माओगे नहीं ना? सीखोगे? मेरे परिवारजनों, पूरा देश आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं राजस्थान की अपनी बहनों के बीच आया हूं। मेरा भी निरंतर प्रयास रहा है कि बहनों की हर समस्या, हर संकट को दूर कर सकूं। मेरी बहनों का जीवन आसान बना सकूं। मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। पहले जब लकड़ी का चूल्हा जलाते थे ना माताएं बहने, ये आपका बेटा, ये आपका भाई एक एक चीज में कितना बारीकी से सोचता है। देखो, जब लकड़ी का या उपले का चूल्हा जलाते हैं और खाना पकाते हैं,
तो हमारी माताओं बहनों के शरीर में रोजाना 400 सिगरेट का धुआं जाता है। आप मुझे कहिए, अगर 2 सिगरेट भी पीते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुझे मरना है क्या, तू सिगरेट बंद कर। मेरी माताओं बहने, आपको गर्म खाना मिले इसलिए हर दिन चूल्हे से जो धुआं निकलता था वो 400 सिगरेट जितना धुआं वो आपकी खुशी के लिए झेलती थी। माताएं बहने, आपने तो कभी कहा नहीं और नहीं कभी हमने चुनाव संकल्प पत्र में भी लिखा था, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा तय करके बैठा है, मैं हर परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन दे करके मेरी माताओं बहनों को मुक्ति दूंगा। मेरी माताओं बहनों को इलाज की मुफ्त सुविधा दी, मुझे आपकी गरिमा की, इज्जत की चिंता थी, इसलिए हमने देश भर में करोड़ों शौचालय बनवाए। ये शौचालय ये सिर्फ 4 दीवारी का मुद्दा नहीं है, 25-50 हजार रुपए का मुद्दा नहीं है, एक भाई बहन की इज्जत का कितना ख्याल रखता है उस संवेदना का मुद्दा। मैं गरीब के घर से आया हूं, मैं जानता हूं हमारी माताएं बहने प्राकृतिक क्रिया करने के लिए, कुदरती क्रिया करने के लिए या तो सूरज उगने से पहले लोटा लेके जंगल चली जाती थी, दिन भर जाना पड़े तो सहन करती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी और तब जाकर के लोटा लेकर के शौच के लिए जाती थी। उसको इज्जत की भी चिंता रहती थी कि आपका भाई, आपका बेटा, उसने करोड़ों करोड़ों शौचालय बनाए ताकि मेरी माताओं बहनों को इज्जत मिले। मैं चाहता था कि महिलाओं के नाम भी संपत्ति हो। आज भाई दूज का त्योहार है, मेरे देश की माताएं बहनें सुने, परंपरा से हमारे देश में अगर घर होता है तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, खेत पति के नाम पर पिता के नाम पर, दुकान पति के नाम पर पिता के नाम पर, गाड़ी लाए स्कूटर लाए तो वो भी पिता के नाम पर पति के नाम पर, और पिता पति ना हो बेटे के नाम पर, महिला के नाम कुछ नहीं होता है। कुछ क्या महिलाओं के नाम पे होता है क्या? आपका भाई, आपका बेटा ये स्थिति स्वीकार नहीं कर सकता, और इसलिए आपके इस भाई ने तय किया, भाई दूज का दिन है मेरी माताएं बहने, पीएम आवास योजना के जो मकान देते हैं ना, वो घर मालिक की हक उस परिवार की महिला के नाम किया जाता है। अब मालकिन मेरी माताएं बहने बनती है। राजस्थान की
मेरी गरीब माताओं बहनों को राशन की चिंता से मुक्ति भी आपके भाई ने अपना कर्तव्य निभाया। याद करो कोरोना का कैसा काल था, मौत मंडरा रही थी कोविड में, हर परिवार चिंता में था कहीं घर में कोविड आ गया तो पता नहीं किसको ले जाएगा, यमराज बन के पटक रहा था, सब कुछ ठप पड़ा था, रोजी रोटी कमाने बाहर गए बच्चे भी घर लौट के आ गए थे, मां भी कहती थी बाहर नहीं जाना है, सहन कर लेंगे भूखे रह लेंगे लेकिन बेटे कहीं बाहर मत जाओ, अभी कुछ नहीं करना है ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। आपका ये दर्द, आपकी ये पीड़ा आपके बेटे ने आपके भाई ने सुनी और मैंने तय किया कि एक भी गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मेरे देश का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, बच्चे को भूखा देखकर किसी मां के आंख से आंसू नहीं बहेंगे, ये स्थिति मैं करूंगा। और तब जाकर के अनाज के भंडार खोल दिए, 80 करोड़ परिवार लोगों को, 80 करोड़ भाई बहन को मुफ्त में अनाज देना शुरू कर दिया। हम तो राजस्थान के लोग हैं, दया पुण्य में भी विश्वास करते हैं, आप मुझे अपने घर पे कोई गरीब आ जाए या अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है, जरा सबके सब जवाब दो। जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए संतोष होता है कि नहीं होता है। जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है। जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया तो 80 करोड़ लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पुण्य किसको मिलेगा, ये पुण्य किसको मिलेगा, ये पुण्य किसको मिलेगा। बस यही गलती हो जाती है, ये पुण्य मोदी को नहीं ये पुण्य आपको मिलेगा क्योंकि आपने वोट दिया मोदी को और मोदी जाकर के एक काम कर रहा है, ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोगों के पेट में अनाज जा रहा है और उसका पुण्य के हकदार आप मेरे भाई बहन है, इसका हक आपका है। हर गरीब को अन्न मिले, आप सबको पुण्य मिले, इसलिए ये योजना दिसंबर महीने में पूरी होने वाली थी लेकिन आपके बेटे ने आपके भाई ने तय किया कि 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। साथियों
बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उसमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अब मेरा मिशन, माताएं बहने, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है, मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। अभी तक राजस्थान में लगभग 50 लाख घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन साथियों, मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने यहां इस योजना को भी लूट लिया। पता नहीं ये पंजा कहां कहां जाकर के लूट करता है, ये पंजे की आदत हो गई है, कहीं पर भी हाथ मारो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। अरे ये भूमि तो हर गांव लाखा बंजारा को याद करने वाले लोग, लाखा बंजारा जितने कहीं एक बावड़ी भी बना दी तो सदियों के बाद भी लाखा बंजारा को याद करते हैं, जिन्होंने पानी प्रबंध करके पुण्य कमाया। दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं, वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे बताया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर में अनेक गांवों में काम भी नहीं हुआ और पेमेंट भी हो गया। गरीब को धोखा देने वाली कांग्रेस को यहां एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो आपके हक का लूटते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो जनता के पैसों में चोरी करते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? साथियों, गरीब को सुविधा देने वाली हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार आपके गांव, आपके दरवाजे पर आ रही है। आज ही मैं अभी झारखंड रांची से आ रहा हूं, आज ही एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। उसमें भारत सरकार देश के हर गांव जाएगी, हर लाभार्थी से संपर्क करेगी। मेरे जो भाई बहन अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित है, अब सामने जाकर के उनका हक उनको दिया जाएगा। इतना बड़ा काम मैंने आज आरंभ किया है। सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई ना छूटे, यही हमारा प्रयास है और यही मोदी की गारंटी है।
और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है, नाना मोदी की गारंटी का मतलब क्या है, मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, डाली बाई की इस पावन धरा, डाली बाई की इस पावन धरा पर माता बहनों के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है, लेकिन ऐसे राजस्थान को कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे ला दिया। हमारी बहन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं, कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। जब कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर महिला अपराध की पैरवी करे, अपराधियों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। आपने राजस्थान की मर्दानगी का, राजस्थान की वीरता का, नारी सम्मान के लिए सर कटवा देने वाले मेरे राजस्थान के वीरों का अपमान किया है। आपने अपमान किया, कई अपमान सहेंगे आप? कोई मर्द ऐसा अपमान सहेगा क्या? क्या मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? क्या कोई मर्द मर्द इसलिए कहलाता है कि किसी मां बहन की बेइज्जती करे? ये पाप राजस्थान की धरती पर हो रहा है, और ऐसे लोगों को सम्मान में बोनस में टिकट भी दे दी जाती है। कोई परवाह नहीं है इनको, और इसलिए पूरा राजस्थान कह रहा है, बहनों बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, बहनों बेटियों का अपमान, बहनों बेटियों का अपमान, बहनों बेटियों का अपमान। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने बहनों बेटियों के सम्मान के साथ साथ इस वीर धरा के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे, कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू, कांग्रेस के 5 साल की यही तस्वीर रही है। दंगों के कारण, बार बार लगते कर्फ्यू के कारण सबका नुकसान होता है। जब अपराध बढ़ता है तो गरीब मजदूर की दिहाड़ी नहीं लग पाती,
जब अपराध बढ़ता है तो व्यापारियों दुकानदारियों का काम रुक जाता है, दुकानें लूट ली जाती है, आग लगा दी जाती है। इसलिए कांग्रेस को यहां सरकार से हटाना बहुत जरूरी है। साथियों, यहां के वीर कल्ला रायम तोलोत, कल्ला रायम लोत की वीरता के किस्से हम सभी ने सुने हैं। आप मेरे साथ बोलिए, बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव जी की, हिंगलाज माता की, वीर तेजाजी महाराज की, मल्लीनाथ महाराज की, तनोज माता की, नागणेती माता की, नाकोड़ा भैरव की, जंगमेश्वर भगवान की, जसोल माता की, विरात्रा माता की, हम इन सभी आराध्यों का जय घोष करके सुख संतोष प्राप्त। लेकिन अब राजस्थान में आतंकवाद समर्थक ऐसे नारे लगने हैं जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। आप सोचिए, जहां जहां कांग्रेस आती है वहां आतंकी, दबंग और दंगाई, इनके हौसले क्यों बढ़ते हैं? इसका जवाब है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस राजस्थान को उस दिशा की तरफ ले जा रही है जहां राजस्थान की संस्कृति ही, राजस्थान की परंपरा ही खतरे में पड़ जाए। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए राजस्थान में भाजपा जरूरी है। भाजपा जरूरी है, भाजपा जरूरी है, भाजपा जरूरी है। मेरे परिवारजनों, जब मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते रहे, कुर्सी कैसे बचे? 5 साल वो कुर्सी बचाने में लगे रहे। जब दिल्ली दरबार राजस्थान में अपने ही नेता की कुर्सी गिराने में जुटा रहेगा, तब गली गली गांव गांव में ऐसी ही अराजकता फैलेगी जैसी राजस्थान में फैल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान के नौजवानों को पूरी तरह से पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया। राजस्थान में परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, ये असंभव सा हो गया। पेपर लीक माफिया के तार सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। अभी तक तो काले कारनामों की, लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेंके, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा, राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए
तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ, ये लाल डायरी है क्या, ये लाल डायरी किसकी है, ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है, पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी के बात करते कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में, तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आगे तो लक पे है, क्या कहते हैं लक पर है, लक की बात करते हैं, नसीब कहते कि नहीं कहते, भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक ऊपर है कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते, कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना, अब वो लक की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है, वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए ये लूट मोट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला, सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है, कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए, जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं, अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। साथियों, राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं का प्रदेश है, बहादुरी वीरता शौर्य यहां की रगों में है, यहां की मिट्टी में है, हर वीर माता की कोख से वीरता पैदा होती है, लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान से कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस जब केंद्र में थी तो डर डर कर सरकार चलाती थी, कांग्रेस राज में आतंकी हमले के बाद विदेश से ऐसे जाते थे, हमारे यहां बम फूट गया, हमारे यहां लोगों को मार दिया,
हमारे यहाँ गोली चल गई तो मदद की गुहार लगाई जाती थी। आज भाजपा सरकार में आतंकियों को एक घर में घुसकर मारा जाता है। ये हमारी सरकार है जिसने वीरता को पचाना भी सीखा है और वीरों का सम्मान भी सीखा है, और इसलिए हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया। कांग्रेस ने 500 करोड़ का बजट दिखाकर वन रैंक वन पेंशन का झूठा वायदा करती थी, भाजपा सरकार वन रैंक वन पेंशन लाकर अब तक 90,000 करोड़ रुपए हमारे जवानों के खाते में जमा करा चुकी है। मेरे परिवारजनों, इस मरुधारा में अद्भुत संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर का सामर्थ्य अथाह है। राजस्थान के इतने बड़े सीमा क्षेत्र को भाजपा समृद्धि का क्षेत्र बनाना चाहती है। इस मरुभूमि को समृद्धि का प्रवेश द्वार बनाना चाहती है। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में इस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। पचपदरा में एचपीसीएल रिफाइनरी का काम भी जल्द पूरा होने वाला है, जिसे कांग्रेस ने दशकों तक लटकाया हुआ था। राजस्थान की भाजपा सरकार यहां तेजी से उद्योग धंधे और रोजगार विकसित करेगी। राजस्थान की नई भाजपा सरकार यहां रोजगार के नए अवसर बनाएगी, सबका जीवन आसान बनाएगी। साथियों, कुछ न महीने पहले ही हमारी सरकार ने पूरे देश में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हमारे कारीगरों पर हमारे कुम्हार, मूर्तिकार, सुनार, बाल काटने वाले, कपड़े धुलने वाले, ऐसे हर भाई बहन को 13,000 करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च करके उनकी जीवन को, उनके काम को आधुनिक बनाया जाए। इस योजना का लाभ बाड़मेर और जैसलमेर के गांव गांव में रहने वाले हस्तशिल्पी कारीगरों को मिलेगा। साथियों, सीमा पर बसे जिन गांवों को कांग्रेस ने देश का आखिरी गांव मानकर छोड़ दिया था, उन्हें भाजपा सरकार देश के पहले गांव के रूप में विकसित कर रही है। हमने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में हाईवे का शानदार जाल भी बिछाया है। आज जामनगर अमृतसर हाईवे बन रहा है, जिससे राजस्थान की कनेक्टिविटी गुजरात से होते हुए समंदर तक हो जाएगी। मतलब दुनिया के साथ ये मेरा राजस्थान सीधा जुड़ जाएगा। इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। ऐसे कामों पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार मोदी के काम को, हर कदम को रोकना, यही उनका काम है, रोकने में ही जुटी हुई है। मेरे परिवारजनों, आप जब वोट डालने जाएं तो याद रखना कि कांग्रेस की सरकार ने गौ माता को भी लंपी की बीमारी के दौरान कष्ट में छोड़ दिया था। ये मोदी है जो पूरे देश में पशुधन को मुफ्त टीकाकरण का अभियान चला रहा है। 2014 से पहले कांग्रेस आपकी मूंग दाल भी एमएसपी पर नहीं खरीदती थी। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने मूंग के एमएसपी में करीब 3,500 रुपए की वृद्धि की है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने मूंग किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं दिया। बाड़मेर और जैसलमेर पत्थर की कला और पत्थर के कलाकारों के लिए भी जाने जाते हैं। सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में
भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें भी मरुधरा का पत्थर ही लग रहा है। मेरे परिवारजनों, ये चुनाव सिर्फ विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव राजस्थान में कानून व्यवस्था की वापसी के लिए है, भाजपा सरकार की वापसी के लिए है। राजस्थान के हर मतदाता को याद रखना है और कांग्रेस को हटाने का जो लक्ष्य है उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और मेरा भी आपको एक काम करना है, घर घर जाना है। जाओगे? ऐसा तो नहीं ना इतनी बड़ी विराट सभा हो गई और यहाँ इतने दूर इतनी बड़ी सभा होना मतलब अब चुनाव जीत गए चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? जरा पूरी ताकत से बताइए, ऐसा तो नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, कमल खिलाओगे, हर बूथ में से कांग्रेस को साफ करोगे? अच्छा मेरा एक काम करोगे? करोगे? क्यों आवाज धीमी हो गई? ऐसे नहीं, जी जान से बताओ, करोगे मेरा काम? पक्का करोगे? लेकिन ये चुनावी काम नहीं है फिर भी करोगे? ये मेरा निजी काम है फिर भी करोगे? पक्का करोगे? एक काम बताओ, जरा हाथ ऊपर करके बोलिए, बताओ करोगे? एक काम करो, घर घर जाकर के सबको प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना कि मोदी जी अपने बाड़मेर इलाके में आए थे और अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। इतना मेरा काम कर दोगे, हर घर मेरा राम राम पहुंचा दोगे, हर बुजुर्ग को मेरा राम राम कहोगे, हर परिवार को मेरा राम राम कहोगे, देखिए अगर आप मेरा राम राम पहुंचाओगे ना तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा ना तो वो आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है मैं ऊर्जा से भर जाऊंगा, न थकूंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं। और ये आशीर्वाद की ताकत है, कभी रुकूंगा भी नहीं। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद चाहिए। क्या घर घर जाकर के मेरा राम राम पहुंचाएंगे? अच्छा एक बात आप मेरा एक और संदेश लोगों को देंगे, मोदी जी ने कहा है जरूर कहना, इस समय शादी ब्याह की मौसम है, शादी ब्याह है बड़े मजे से करिए, लेकिन कितना ही काम हो वोट देना न भूलिए, कहोगे ना? क्योंकि ये राजस्थान के सुनहरे भविष्य के लिए जरूरी है। बहू लाने के उत्साह में या बेटी की विदाई देने के उत्साह में 5 साल कहीं डूब न जाए, इसलिए कितना ही शादी का काम क्यों न हो 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आप सभी अधिक से संख्या में मतदान करें, उम्मीदवारों को जिताएं। अब मैं अपनी बात समाप्त कर उसके पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, बताऊं? आप जमकर के जवाब देंगे तो जवाब देने से पहले अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए, बराबर सबकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मैं जब बोलाऊंगा वो आपको बोलना होगा, बोलोगे? मैं जो कहूंगा वही बोलोगे? मैं जब कुछ भी बोलूं तो आपको बोलना होगा कमल चुनेगा राजस्थान, क्या बोलेंगे? कमल चुनेगा राजस्थान,
क्या बोलेंगे? पक्का से एक साथ बोलेंगे। अब मैं बुलवाता हूं चोरों की धरती महान, चोरों की धरती महान, कमल चुलेगा राजस्थान, सुरक्षित सरहद खुशहाल जवान, सुरक्षित सरहद खुशहाल जवान, बहन बेटियों का सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान, सबको पानी सबको मान, सबको पानी सबको मान, हस्तशिल्प की बढ़ेगी शान, हस्तशिल्प की बढ़ेगी शान, भ्रष्टाचारियों पर कसेगी लगाम, भ्रष्टाचारियों पर कसेगी लगाम, दुनिया में गूंजे राजस्थानी तान, दुनिया में गूंजे राजस्थानी ताल, कमल चुनेगा, कमल चुनेगा, कमल चुनेगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।